तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नल्लर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले हैं उस कदम के वृक्ष की तरफ जिसकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़ने से हुई थी, और वो भी महाभारत काल में, पांडवों के काल में। पर एक कदम का पेड़ है जहाँ से जल बहता रहता है 24 आवर्स। 24 आवर्स जल बहता रहता है। तो क्या ये जो आपने बताया जो चमत्कार कदम के पेड़ से जो जल बहता है, ये हम देख सकते हैं ऊपर जाके? बिल्कुल देख सकते हैं। पीछे से रास्ता बना हुआ है और तकरीबन 250 सीढ़ियाँ बनी हुई। 250 या 300 सीढ़ियाँ चढ़ के पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, और वहाँ एक कदम का पेड़ जिससे अपने आप जल निकलता है। तो इस चमत्कार को सुना तो है मैंने, लेकिन देखा नहीं। देखिए दोस्तों, यही वो पहाड़ी है जिसकी चोटी पर हमें जाना है, और वही हमें मिलेगा वो रहस्यमयी चमत्कारी कदम का पेड़ जिसकी जड़ों में से 5100 साल से जल निकल रहा है। पुजारी जी ने हमें बताया कि जब अज्ञातवास के समय पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए, तो उनके कदमों से उस कदम के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी, और तब युधिष्ठर को वहाँ पर प्यास लगी और अर्जुन ने वहाँ तीर मारा और युधिष्ठर ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ बरसात में मत आइए, क्योंकि बरसात के समय इस पहाड़ी पर चढ़ना बहुत बड़ा रिस्क है। पुजारी जी हमें बताएंगे कि ऊपर किस तरीके से, तो पुजारी जी ऊपर कैसे हम उस रहस्य को जाने, कैसे उस चमत्कार को देख सकते हैं? देखिए, आप मंदिर के पीछे के द्वार पर खड़े हैं जी, तो ये रास्ता जा रहा है आपके सामने जी। यहाँ से आप यू टर्न होंगे तो सीधा स्टेप, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तकरीबन 250 सीढ़ियाँ जी। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो ये सीढ़ियाँ वहीं ख़त्म होंगी जहाँ वो कदम का पेड़ जी, और आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ जो कदम के पेड़ के वहाँ एक कुंडली बनी हुई है छोटी सी जी, और वहीं दो पत्थर हैं पेड़ के पास जी, उन पत्थरों के बीच में से पानी आ रहा है जी, और वो 5100 वर्ष से आ रहा है जी, और ऐसा है जैसे मिनरल वाटर हो। तो मैं आज आपको एक ऐसा रहस्य दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैंने नल्लड़ महादेव जी के दर्शन किए नूह में, और अभी मैं जा रहा हूँ 250-300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के एक कदम का पेड़ है जहाँ भगवान शिव का 5100 साल पुराना चमत्कार है। तो दोस्तों, यही वो रास्ता है जो कदम के पेड़ के 5100 साल पुराने रहस्य की तरफ जाता है, और उसी रहस्य को जानने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ अपने पथ पर। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा। तो आइए मेरे साथ और उस चमत्कार को आप भी देखिए अपनी आँखों से। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं निकल पड़ा हूँ अपने पथ पर और आप भी मेरे साथ आ जाइए। तो दोस्तों, हमने उस चमत्कार को जानने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है, और ये देखिए कैसे पहाड़ों से निकलते हुए ऊंची नीची सीढ़ियाँ, और ये सभी भी दर्शन करके आए हैं। और देखिए, हमें उस पहाड़ की चोटी पर जाना है, और आप भी देखिए नल्लड़ धाम मंदिर का ये चमत्कार। भाई बहुत मेहनत, ये है नल्लड़ मंदिर, और आप भी हमारे साथ इस यात्रा का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है, थक भी गए हैं। और मैं भी कर रहा था, वो सीढ़ियाँ आ चुकी हैं। ये सीढ़ियाँ हमें उस पेड़ तक लेकर जाएंगी, कदम के पेड़ तक लेकर जाएंगी जहाँ भगवान शिव का 5100 वर्ष पुराना चमत्कार
है, मैं भी वेट कर रहा हूँ उस दृश्य को देखने का। और ये देखिए वो कदम का पेड़, माफ़ कीजिए थोड़ी फिसलन है, जगह थोड़ी ख़तरनाक है। ये देखिए वो कदम का पेड़ जहाँ भगवान शिव का चमत्कार आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये है वो कदम का पेड़, ये देखिए वो भगवान शिव का चमत्कार देख रहे हैं। पूरा गीला है ये नीचे से, और ऊपर से पानी रिस कर यहाँ पहुँच रहा है। और मैं उसके ऊपर अब आपको जाकर इस चमत्कार के दर्शन कराऊंगा। ये है नल्लड़ धाम का वो चमत्कार, मैं अभी आपको सिर्फ ये पेड़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से जल नीचे जा रहा है कदम के पेड़ से। और अब मैं आपको वो जल भी दिखाऊंगा। ये है वो चमत्कार भगवान शिव का। सच कहा है किसी ने, भगवान की माया बड़ी अपरंपार है, और जिस चमत्कार को देखने के लिए हम ऊपर आए वो चमत्कार सच में हमारी आंखों के सामने है। ये देखिए ये है वो कदम का पेड़, और जल प्राकृतिक जल, उस जल को ग्रहण करते श्रद्धालु। और मैं भी अब यहाँ जाके इस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। और 5100 साल पुराना भगवान शिव का चमत्कार लल्लड़ धाम में जो मुझे देखने के लिए मिला पहाड़ी के ऊपर, ये देखिए किस तरीके से, ये है कदम का पेड़ और ये है नल्लड़ धाम। ये देखिए ये है वो पवित्र जल जो कदम के पेड़ की जड़ के नीचे से आ रहा है। और ये 5100 साल पुराना चमत्कार आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी भाई को भी ये लगता हो कि ये झूठ है, तो नल्लड़ धाम नूह में आकर इस चमत्कार को साक्षात देख सकता है, और यहाँ अपने आप को पुण्य बना सकता है। और ये देखिए बड़ा रिस्क लेके मैं किस तरीके से पेड़ के ऊपर खड़ा हूँ, और नीचे गहरी खाई है। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ इस वीडियो का मज़ा उठाइए और यहाँ ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए भगवान शिव के इस अनोखे चमत्कार के। दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरीके से इस भगवान शिव के चमत्कार को देखने के लिए अब मैं ऊपर आया हूँ। और वाह बहुत ही फिसलन बहुत है, रिस्क है, लेकिन इस रिस्क में बहुत मजा है। भगवान शिव के चमत्कार को देखने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक था, और ये 5100 साल पुराना चमत्कार मैंने देखा। तो ये है वो जल, ये है वो जल कदम के पेड़ से निकलता हुआ जो जिसके पास मैं पहुंचा दोस्तों। और अब मैं इस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। कहते हैं कि जब पांडवों को प्यास लगी थी तो अर्जुन ने यहाँ तीर मारकर इस जल को उत्पन्न किया था। और ये है भगवान शिव का चमत्कार। दोस्तों इस पानी की तुलना कहीं भी नहीं है, इतना सुंदर इतना स्वच्छ पानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं पिया। और ये तो प्रकृति की देन है, इस प्रकृति की देन को थोड़ा सा माफ़ कीजिए, फिसलन है, मुझे मैनेज करने में यहाँ दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर दोनों हाथों से इस जल का स्वाद चखना चाहूँगा। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस इन इन रहस्यों को जानने में। इस तरह की जगह पे आके मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, और भगवान शिव के प्रति मेरा असीम प्रेम है, भगवान शिव की असीम कृपा है मुझ पर। जब मैं भगवान शिव के ऐसे चमत्कार देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। कदम के पेड़ से निकलता हुआ जल, और ये है वो पवित्र कुंड
कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने काफी समय बिताया था। ये देखिए दोस्तों, ये है वो कदम का पेड़ जिसकी जड़ से ये जल निकल रहा है, और वो पीछे नल्लड धाम। बोलो श्री महाकाल की जय। हर हर महादेव। नीचे आते हुए डर भी लगा, बाप रे इतनी ऊंचाई, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आप देख रहे हैं तो दोस्तों, नल्लड धाम के भगवान शिव, नल्लड धाम में इस भगवान शिव के चमत्कार को देखने के लिए आप यहाँ आइए और भगवान शिव के इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखिए। दोस्तों ये ओ, और मैं बड़ी मेहनत करके नीचे आ गया हूँ, और ये है कदम का पेड़ जिसकी जड़ के नीचे से भगवान शिव का ये चमत्कार हो रहा है। ये देखिए जल, ये पवित्र जल वहीं से आ रहा है, और आप भी आइए और इस जल को ग्रहण कीजिए और बहुत खुशी महसूस कीजिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों आप जहाँ जाएंगे भगवान शिव के चमत्कार आपको वहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, भगवान शिव के सभी भक्तों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ, देखें इस चमत्कार को अपनी आँखों से। ये कोई झूठ नहीं, मेरे को भी ऐसा लगता था कि ये मुश्किल है, लेकिन जब मैं आया तो मुझे यहाँ सचमुच वो देखने के लिए मिला जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इसी के साथ जय शंकर महाराज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। किस तरीके से नीचे उतरा जा रहा है यहाँ से, आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। ये देखिए पानी गिर रहा है, और कितनी फिसलन है इसके बावजूद। ये देखिए तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे जान जोखिम में डालकर ये वीडियो बनाई हमने, और इसको देखिए दोस्तों, बहुत ही टफ है सच में। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपसे जरा सी भी चूक हो गई तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर सच कहा है किसी ने, अगर भगवान शिव के रहस्य जानने, भगवान शिव के चमत्कार देखने हैं, तो लाइफ को रिस्क पर रखना ही पड़ता है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अभी हमने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया है, और कहते हैं कि चढ़ाई करने से आसान काम नीचे उतरना है, सच है ये तो। लेकिन अब देखिए ये है कितना सुंदर दृश्य, चारों तरफ पीली पीली सरसों, पहाड़ियाँ, वो जो दूर दिखाई दे रहा है नल्लड मंदिर का गेट, और ये गुम्बज, ये रास्ता सीधा मंदिर तक जाएगा, और ये देखिए चारों तरफ की खूबसूरती। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कोई भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़, अच्छे अच्छे दृश्य, अच्छी अच्छी यात्राएं देखने के लिए मिलेंगी। तो जुड़े रहिए आपके अपने दीपक नूर के साथ। तो कहाँ से आए हो भाई आप? जेवर से। तो क्या देखने जा रहे हो ऊपर आप भी हमारी तरह जल निकलता हुआ? पहली बार आए हैं यहाँ? तीसरी चौथी बार आए हैं। तो देखिए ये है नल्लड धाम की विशेषता, कि यहाँ बहुत लोगों की श्रद्धा और बहुत लोग आ रहे हैं। तो आप भी जुड़े रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो जल की धारा, जो भगवान शिव का चमत्कार मैंने देखा, उसकी कथा के बारे में जानना चाहूँगा, ताकि मेरे सभी ऑडियंस हैं जो एक बार उस कथा के बारे में जाने की, वो कथा क्या थी जो ऊपर जो कदम के पेड़ से जो जल निकल रहा है उसके बारे में थोड़ा पता। दरअसल क्या है कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो भगवान कृष्ण के साथ जो है उनका आगमन हुआ था यहाँ पर जी। तो जब भगवान कृष्ण के कदम पड़े थे, तब ऊपर जो है कदम के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी जी। तो उस समय जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ ही थे, और जब युधिष्ठिर को प्यास लगी थी
तो अर्जुन ने वहाँ बाण मारा था, तब से वो जल वहाँ से बह रहा है, तब से वहाँ से जल निकल। हाँ जी, और 24 आवर्स और साल का 365 दिन, यानी कि कह सकते हो कि 5100 साल से वो जल बह ही रहा है, कभी बंद नहीं हुआ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कैसे। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इस पृथ्वी पर अकाल भी पड़ जाए जी, तो वहाँ का जल कभी सूखेगा नहीं। जी। जब कृष्ण भगवान के साथ पांडव सभी आए वन में घूमते हुए अपने अज्ञातवास के दौरान, तो तब यहाँ पे युधिष्ठिर को प्यास लगी और अर्जुन ने वहाँ पर बाण मारा, भगवान श्री कृष्ण के कदम वहाँ पर पड़े और उनसे कदम के पेड़ का निर्माण हुआ, वहाँ कदम के पेड़ की उत्पत्ति हुई और वहाँ से जो जल निकलता है वो बहुत ही पवित्र जल है। तो ये है मेरे महादेव की, मेरे महाकाल की महिमा। तो आप सभी जुड़िए और इस पवित्र स्थल पर आप आए और भगवान शिव का साक्षात चमत्कार खुद अपनी आंखों से देखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकारी आपसे प्राप्त करके, और जब भी आप आएँ तो पुजारी जी से मिलिए और भगवान शिव की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। Thank you.